between Amitabh Bachchan sir and Abhishek's working? ये बड़ा unfair question है. मैंने तो बच्चन साहब के साथ 5 फिल्में की हैं. ये तो शेर हमारी सिर्फ दूसरी फिल्म है. और बनाएंगे हम लोग भी बनाएंगे चिट्टों को. मालिक चाहे हम तो क्या 5 से 50 पिक्चर और बनाएंगे. लेकिन बहरहाल जब हम इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे हमने अपना किरदार निभाया, जो भूमिका हमें मिली है हमने वही निभाई है. हमने कोशिश की है कि कलाकार की हैसियत से हम कुछ मनोरंजन आपकी तरफ पेश आए. तो यही सिलसिला रहा था जब बच्चन साहब के साथ मैं फिल्मों में काम करता था. अब जूनियर बच्चन साहब आ गए हैं तो मैंने यही कोशिश की है, उसने भी वही कोशिश की है कि हम एक बेहतरीन पिक्चर बनाएं, एक मनभावन पिक्चर बनाएं जो लोगों को पसंद आए, जो फैमिलीज़ को पसंद आए. एक हंसी खुशी फिल्म है जिसमें कोई एक पारिवारिक मैसेज है और आप लोगों का उसका मजा ले. वेल आई फील अंग्रेजी में बोलूँ हिंदी में बोलूँ, ये अच्छा उसे उसको इंग्लिश में कर देंगे. ऐसा है कि अभिषेक अब ये सामने बैठे हैं तो उनकी तारीफ़ मुंह पे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि कैमरा के सामने हैं तो मुझे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. अभिषेक की खुद की छाप है भाई, आप मत भूलिए कि इनके जो माता पिता हैं उनकी कितनी बड़ी हैसियत है. वो कितने बड़े महान कलाकार रह चुके हैं और हैं भी अभी भी. और इस बेचारे को छोड़ दिया तो इसने अपनी खुद छाप बनाई है. मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उसकी पिक्चर जो बनाई थी इसने, बोल बच्चन. हम अभी वही सुप्रिया जी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग वो फिल्म के बारे में. खैर बहरहाल ये कहना है कि अभिषेक ने अपनी खुद छाप बनाई, अपनी खुद की आइडेंटिटी है. वो खुद अपने अपनी हैसियत से एक कलाकार है और बड़ा बढ़िया काम कर रहा है. आप इसे फिल्में देखिएगा, बहुत बेहतरीन काम किया उसने. अब पता नहीं चढ़ा के तो ऐसा क्या बोल देना, बट इज अ मार्वलस जॉब. यू सी इट,